मॉर्निंग एवरी वन आज हम स्टार्ट करेंगे चैप, चैप्टर नंबर इलेवेंथ जो है ट्रेंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज हम इसमें देखेंगे ट्रंगल्स और इसकी प्रॉपर्टीज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी ट्रैंगल्स एंड इट्स वेरियस टाइप बेस्ड ऑन एंगल्स एंड साइड्स क्या है हम इसके uh, अलग अलग टाइप्स देख सके हैं जिस, जो किस पर आधारित थे एंगल्स और साइड्स हेयर फर्स्ट वी फर्स्ट वी विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लर्न वाई अस पहले हम क्या करेंगे रिवाइज uh, करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ठीक है एंड देम विल एक्सटेंड आवर स्टडी फर्दर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आगे की ओर अपनी स्टडी करेंगे ठीक है ट्रंगल तो क्या होता है ट्रेंगल अ क्लोज फिगर मेड बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कॉलोनियर प्वाइंट इज कॉल्ड ट्रैंगल्स ठीक है तो एक क्या होता है एक क्लोज फिगर जो ज्वाइनिंग uh, रहता है थ्री नॉन कॉलोनियर पॉइंट ठीक है उसे बोलते हैं ट्रैंगल्स ठीक है इट इज डिनोटेड बाय असेंबल इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज पॉलीगन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स ठीक है इसको क्या किससे डिफाइन इसको किससे भी डिफाइन कर सकते हैं पॉलीगन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इट हैज सिक्स एलिमेंट्स डेट इज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स इसमें क्या है ये क्या है थ्री एंगल्स बनते हैं कितनी साइड्स होती हैं थ्री ठीक है सिक्स एलिमेंट्स होते हैं मतलब पार्ट्स ऑफ ट्रैंगल कंसीडर अ ट्रेंगल्स कंसीडर एंगल्स ट्रैंगल्स ए बी सी हमने इसको कंसीडर कर लिया इसमें वर्ट वर्टाइजेज होंगी जो ए बी एंड सी आर एन दर्टाइजेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो ये जो रहती हैं जो उसके कॉलोनियर पॉइंट रहेंगे नॉन कॉलोनियर पॉइंट वहां पर जो ये होता है ये होती है वर्टाइसिस ठीक है ये जो कॉर्नर होते हैं वो वर्टाइसिस होती हैं ठीक है थीके? ओके तो ये हो गई वर्टाइजेज साइड्स ए बी इसमें ये हो गई साइड ए बी ये बी सी और ये ए सी ठीक है ये थ्री साइड हो गई एंगल्स एंगल इसमें कौन कौन सा बनेगा एंगल एंगल ए बी सी ए के घर बन रहा है एक बनेगा एंगल ए सी बी एंगल ए सी बी और एक एंगल कौन सा बनेगा एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी ठीक है अब द साइड द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए बी सी जो uh, है वो ए इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी बी सी द साइड अपोजिट वर्टेक्स बी बी की क्या होगी ए सी होगी और जो सी रहेगा उसकी होगी ए बी ये सभी आपने पहले पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेंगल्स देखेंगे हम ट्रेंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स अभी हम देखेंगे साइड्स पर तो स्केलेन ट्रायंगल्स क्या होता है आ ट्रेंगल हैविंग थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इस कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल्स क्या होता है वह एंगल वह सॉरी वह ट्रायंगल जिसमें थ्री साइड होती हैं डिफरेंट लेंथ की जैसे हमने ये ले लिया फोर सेंटीमीटर सपोज है टी थ्री का और ये चलो ये ले लिया फोर का ये सिक्स सेंटीमीटर सपोज ये थ्री सेंटीमीटर ठीक है लेट कर लिए तो ये क्या है अलग अलग है ना साइड्स डिफरेंट इनकी लेंथ है तो ये कौन से ट्रेंगल कहलाते हैं स्केले एसोसेल्स ट्रेंगल्स आर ट्रेंगल्स हैविंग टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ कॉल्ड एंड एसोसियल ट्रेंगल क्या है जिसकी टू साइड होती हैं वो क्या होती है इक्वल जैसे हमने ले लिए फोर सेंटीमीटर ये ले ली हमने फोर सेंटीमीटर ठीक है ये दोनों क्या है इक्वल है तो ये होगा एस ट्रेंगल ठीक है अब आएंगे इक्विलेटर इक्विलेटरल ट्रेंगल ये होता है आर टैंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ जिसकी क्या है तीनों साइड जो रहती हैं वो कैसी रहती हैं इक्वल अगर ये फोर सेंटीमीटर की है ये तो ये भी कितने की होगी फोर सेंटीमीटर की देन ये भी फोर सेंटीमीटर की ठीक है ये बनेगा कौन सा इक्विलेटरल ट्रेंगल ठीक है इसकी जो तीनों साइड रहती हैं कैसी रहती है इक्वल लेंथ की रहती अब आएंगे हम एंगल्स पर ट्रेंगल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स एक्यूट एंगल ट्रेंगल आर ऑल द एंगल्स लेस देन कितने 90 डिग्री से कम हो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल आर्ट एंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल एज नाइंटी डिग्री वन जो होता है एंगल वो कितने डिग्री का हो नाइन्टी डिग्री का उसे बोलते हैं राइट एंगल ठीक है वो इस टाइप से बनेगा ठीक है और जो नाइन्टी से कम रहेगा वो एक्यूट इस टाइप से बनेगा ठीक है अब आएंगे हम ऑफ्यूज एंगल पर आर्ट एंगल हैविंग ओनली वन एंगल ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री क्या है वो एक एंगल के से नाइन्टी डिग्री से ज्यादा हो तो इस साइड आएगा ये हो गया नाइन्टी डिग्री ठीक है ये हो। तो ये कौन सा ऑफ्टूज एंगल होगा ठीक है अब आएंगे मीडियन ऑफ अ ट्रैंगल द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस द वर्टेक्स ऑफ द ट्रैंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्रेंगल उससे क्या बोला जाता है मीडियन बोला जाता है ट्रेंगल जैसे इन इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन सेगमेंट ए डी ठीक है ड्रॉन फ्रॉम वर्टिक्स ए जो एडी जो ड्रॉ की गई है वो वर्टिक्स ए से की गई है टू द मिड पॉइंट ऑफ बी सी जो बी सी के क्या है बीच में है मिड पॉइंट में इस कॉल द मीडियन ऑफ इसको क्या बोलेंगे मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी ठीक सिंस अ ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिكس वर्टिसेस एंड थ्री साइड्स अपोजिट टू ईच ऑफ द वर्टिكس यदि चूंकि क्या है ट्रायंगल की जो थ्री वर्टिसेस होती हैं और थ्री साइड्स जो अपोजिट होती हैं किसकी इच वर्टेक्स की प्रत्येक वर्टेक्स की सो फॉर ईच वर्टेक्स देयर इज मीडियन ऑफ द ट्राइंगल तो प्रत्येक जो वर्टेक्स होगी वो क्या होगी मीडियन होगी ट्राइंगल की ठीक है अ मीडियंस है ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं थ्री थ्री इन द एडजॉइनिंग फिगर एडी ई एंड सी एफ देखो ए डी बी और जे सी एफ ये क्या है थ्री मीडियंस हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट एट ओ जो ये तीनों किस पर इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ओ पर पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस मीट इज कॉल्ड सेंटर ठीक है विच लाई विच लाई इनसाइड द ट्रेंगल देयर फोर ओ इज सेंटर ऑफ द ट्रेंगल तो ये जो ओ हुआ वो क्या हुआ है सब इसका uh, क्या हुआ सेंटर ठीक है अब आएंगे हम एल्टीट्यूड ऑफ ऑफ अ ट्रेंगल तो देखिए द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम द बर्टिक्स ऑफ द ट्रेंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेंगल एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है बर्टिक्स से ऑफ द ट्रेंगल ट्रेंगल के बर्टिक्स से टू इट्स अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड की ओर तो इसे बोला जाता है एल्टीट्यूड देखो बेटा ये जो बर्टिक्स है इसकी अपोजिट साइड पर आई ये जो एडी होगी वो क्या है एल्टीट्यूड होगी तो इन द एड ज्वाइनिंग फिगर द परपेंडिकुलर जो एडी है जो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे भी बोलते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम बर्टिक्स ए से टू अपोजिट साइड किस पर बी पर इस कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ इसको क्या बोलेंगे एल्टीट्यूड ऑफ एंगल ए फ्रॉम ईच वर्टिक्स ऑफ द ट्रेंगल एंड एल्टीट्यूड कैन बी डॉन थर्स ट्रेंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड तो क्या क्या होगी प्रत्येक जो ट्रेंगल uh, की होगी वो थ्री एल्टीट्यूड होंगी द पॉइंट वेयर दीज एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट इज नॉन एज ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रगल इट इट मे लाइट इन साइड आउटसाइड और ऑन द ट्रैंगल ठीक है अंदर की भी ओर हो सकती है और बाहर की भी और, बा, बाहर की ओर भी हो सकती है लेट अस ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली वी फाइंड दैट एन एक्यूट एंगल टैंगल ठीक है यहाँ ऑर्थोसेंटर लाइन इन साइड द टेंगल इन अ राइट एंगल इट लाइन्स ऑन द टेंगल एंड इन ऑप्टूज एंगल टेंगल इट आउटसाइड ये भी क्या है इसके आउटसाइड की ओर ठीक है अब हम रिलेशन देखेंगे मीडियन एंड एल्टीट्यूड में किसकी ट्रेंगल की इन इक्विलेटरल ट्रेंगल द मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम जो क्या है इक्विलेटरल ट्रेंगल में जो मीडियंस और एल्टीट्यूड्स रहेंगी वो कैसी रहेंगी सेम रहेंगी इन इन एंड एसोसल्स ट्रेंगल ओनली द मीडियन टू द बेस एंड एल्टीट्यूड द बेस आर सेम जो ओनली मीडियन टू द बेस और क्या है एल्टीट्यूड टू द बेस क्या रहेंगी सेम रहेंगी द रेस्ट मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एंड एसोसल्स टेंगल एंड ऑल द मीडियम एंड एल्टीट्यूड ऑफ आल एंड टेंगल हैव नो रिलेशन इनमें क्या कोई रिलेशन नहीं होगा ठीक है अब आएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रा इफ वी मेजर द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रगल अगर यदि हमें क्या है थ्री एंगल्स मेजर करने हैं ट्रैंगल के तो वी फाइंड दैट देर सम इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स और वन डिग्री दैट इज फॉर आर ट्रैंगल्स एंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. एट्टी फैक्ट इज इज नॉन एज एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रगल विच इज स्टार्टेड एज द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रैंगल कितना होता है इज 180 एट्टी डिग्री इसको आपको याद रखना है द सम ऑफ द एंगल कितना होता है ट्रैंगल में वन एट्टी डिग्री तो इसको हम एक वेरीफाई करेंगे एक एक्टिविटी एक से ठीक है तो हम डायरेक्ट आपको आपको ये एक्टिविटी बता रहा है गिवन कंसीडर एट एंगल पी क्यू आर ये ले ली हमने पी क्यू आर टू प्रूव करना है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई थ्रू पी पी के थ्रू एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू क्यू आर जो कि पेरा रहेगी क्यू आर की टू क्यू आर एक्स वाई किसके पैराले हो गई क्यू आर के तो जो एंगल टू है वो एंगल फाइव के कैसा है इक्वल है तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल क्यू और एंगल फाइव तो ये क्या रहेंगे बेटा इक्वल रहेंगे क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंग, एंगल है देखो आप ये, बनना ये, ये बन रहा है अंदर और ये इधर से सॉरी ये इधर बन रहा बाहर ये अंदर देखो ये देखो इधर ए एक्स पी क्यू और इधर ये, ये तो ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ठीक है एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो आप एंगल ये थ्री और ये फोर अल्टरनेट है ना एक इधर है और एक इधर है तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन एडिंग अब हमने इनको क्या कर दिया एड कर दिया एंगल टू प्लस एंगल थ्री तो ठीक तो है दोनों इक्वेशन को हमने एड कर दिया लेफ्ट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में एड होगी और ये इधर राइट हैंड नाउ एडिंग वन टू वर्थ साइड वी हैव ठीक है अब हम क्या करेंगे वन को हम दोनों साइड क्या करेंगे एड करेंगे तो ठीक है हमने वन को कर लिया इसमें एड ठीक द वन एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल फोर ये क्या बट एंगल फाइव एंगल वन और एंगल फोर ये क्या है लीनियर पेयर है और आपको पता है कि जो लीनियर पेयर पर जो एक आ, एंगल बनते हैं वो डिग्री के होते हैं तो अगर ये वन एट्टी डिग्री है तो ये भी क्या होंगे वन एट्टी डिग्री होंगे तो आपका प्रूफ हो गया कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री वन एट्टी तो यही तो हमें पूछा था एंगल वन पर क्या बना पी और एंगल टू पर क्यू और एंगल थ्री पर आर तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हेज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एंगल इज वन एटी लेकिन हुआ कैसे लीनियर पेयर ठीक है थीके? ये आपको याद रखना अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेंगे एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन में ठीक है यहां आपको डेफिनेशन में कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना ठीक है थैंक यू एंड हैव ऑल ऑफ यू